नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप सब लोग का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल स्टाइल विद पैशन पर। आज की ताज़ा खबर, अभी तक बेड की हालत जो है काफ़ी खस्ता है। बच्चा यहां पे सो रहा है और बेडशीट अभी डाली नहीं है, निकाल चुके हैं क्योंकि सुसु उसु बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3, लेकिन खाना नहीं खाया है। जब से यहां पे आए सब कुछ उल्ट सुलट हो रहा है, ना टाइम पे खा रहे हैं, ना टाइम पे सो रहे हैं, ना टाइम पे पी रहे हैं, बट स्टिल वी आर एंजॉइंग। आर यू ऑल्सो एंजॉइंग माई ब्लॉग्स? आर यू? बोलो बोलो बोलो, एंजॉय कर ही रहे होंगे। करने में इतना मजा आ रहा है तो देखने में भी तो मजा आएगा ही। थी मेरे ब्लॉग की एंट्री, कैसी लगी आज की एंट्री? तो अभी जो है हमने मूवी टिकट्स भी भाई ने बुक कर रखे हैं, तेलुगु मूवी ऑफ कोर्स, नैल टिकट करके है, मतलब थिएटर में जो सबसे नीचे वाली, जो ज़मीन पे बैठ के किसी ज़माने पे जो पिक्चर देखा करते थे उसको ज़मीन वाली टिकट को नैल टिकट बोलते हैं। तो रवि तेजा की मूवी है वो देखने के लिए जाएंगे, 4:30 का शो है, अभी 3:30 हो रहे हैं। तो मुझे दोबारा जो है अभी कपड़े चेंज करने हैं जाने के लिए और खाना भी खाना है। तो अभी आपसे थोड़ी देर के बाद में मिलती हूँ मैं। मूवी के लिए रेडी हो चुके हैं और अभी बा मुलायजा होशियार हमारी माता श्री पधार रही है। ये देखो हमारी माता श्री। मम्मी हाय बोलना। हाय। अभी वापस आने के बाद बात करेंगे क्योंकि मूवी का टाइम हो चुका है, नहीं तो मूवी लेट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आने के बाद से हम जरा बतियाएंगे। बाय बाय। तो अभी मम्मी जो है फुल गेटअप में आना चाह रही थी, इसलिए गेटअप में आने के बाद ही मम्मी ने अपनी एंट्री दी है। तो अभी हम कार में बैठ चुके हैं, मम्मी पापा जी आ रहे हैं, भाई मेरा यहाँ बैठा है। तो अभी सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। डैडी आप भी हाय करना। हाँ भी बच गए हो। हाय हाय। मम्मी नहीं दिख रही अभी। सब्सक्राइब। डू सब्सक्राइब शेयर लाइक। अभी तो आप जबरदस्ती दिख रहे हो इसमें। कल परसों तो आए नहीं थे।
चुके हैं और काफ़ी थक चुके हैं। बाहर जाने से थकावट हो जाती है, चाहे थकावट वाला कोई काम करो या नहीं करो। तो मैं चेंज करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो, तो मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ और मूवी बहुत अच्छी नहीं थी, एवरेज थी, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। उसके बाद रेस्टोरेंट गए थे और खा पी के आ चुके हैं, जैसे कि आपने देखा ही है वीडियो में। तो एक और चीज़, मतलब मैं जो मेरे को कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उन चीज़ों का मैं रिप्लाई किसी ना किसी वीडियो में कर दूँ, क्योंकि मैं इसलिए भी नाम नहीं ले पाती हूँ, एक तो याद नहीं रहता है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन एक नहीं पूछा हो तो याद रह पाएगा वो, लेकिन उस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे जो है लोग पूछते हैं, तो इसलिए मैं इन जनरल जो है सबका आंसर दे देती हूँ। जैसे कि लोग बोलते हैं कि आपको ये भी आता है या वो भी आता है, काश मैं आपके तरह होती, या जो भी है, मतलब आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो किसी को आप रोल मॉडल मान सकते हैं, लेकिन किसी को देख के अपने आप को, मैं इससे पहले भी शायद मेंशन किया होगा मैंने अपने व्लॉग्स में, किसी को देख के अपने आप को आप इन्फीरियर मत समझिए, बिकॉज एवरी वन आर स्पेशल इन दिस वर्ल्ड। भगवान ने हर किसी को स्पेशल क्वालिटीज़ के साथ, स्पेशल तरह से आदतों के साथ, या स्पेशल बिहेवियर, किसी का पोलाइट बिहेवियर, किसी का हर चीज़ में, हर एक इंसान को अलग अलग बनाया है। अगर सब मान लो मेरे जैसे हो जाएंगे तो आप भी मुझे नहीं देखेंगे, राइट? अगर मेरे को कोई अपने जैसे लगे, मैं बार बार उसको क्या देखूँगी, है नहीं? अभी आप वीडियोस भी जैसे देखते हैं यूट्यूब पे, तो आपको जिसकी वीडियोस अच्छी लगती है उनकी वीडियोस देखते हैं, हर किसी की तो नहीं देखते हैं ना। अभी यूट्यूब पे देखो कितने सारे चैनल्स है, गिना नहीं सकते, इतने चैनल्स है, लेकिन हर कोई हर किसी को फॉलो नहीं करता है, राइट? अगर सारे चैनल एक जैसे होने लग जाते तो कोई किसी को फॉलो नहीं करता, राइट? तो ऐसे ही हर इंसान भी अलग होता है, हर को अपनी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, हर इंसान स्पेशल है। तो आपको जो आता है आप उसको, जितना आता है, ज़्यादा आता है, कम आता है, अभी देखिए एक इंसान पढ़ा लिखा होता है या एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन ये तो नहीं है कि पढ़े लिखा इंसान में दिमाग ज़्यादा होता है, या जिसमें जो पढ़ा लिखा नहीं है उसमें दिमाग नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है। पर जो पढ़ा लिखा नहीं भी होता है उसको भी बहुत सारा दिमाग होता है, वो भी बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अभी खेतीबाड़ी जो करते हैं, आज हम जिनकी वजह से खाना खा रहे हैं वो फार्मर्स की वजह से हैं। अगर वो खेतीबाड़ी में अपने टेक्निक्स ना यूज़ करें, जो उनको मालूम है कब फसल को काटना है, कब फसल को क्या करना है, कैसे फसल की केयर लेनी है, वो हमको तो नहीं मालूम है। किताबी लैंग्वेज हमको पता होगी, लेकिन वैसे तो नहीं पता है। तो ये छोटी सी चीज़ मैं बस यही बताना चाहती थी कि सर हर इंसान स्पेशल है, अपने आप को स्पेशल फील कराइए, ये मत वेट करिए कि कोई आपको जब आके अप्रिशिएट करे तभी आप अच्छे हैं, अदरवाइज भी आप अच्छे ही हैं। सो ऑलवेज बी इन दिस पॉजिटिव थिंकिंग, योर लाइफ विल बी हैप्पी एंड यू विल बी हैप्पी टू, जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था, हैप्पीनेस लाइज विद इन यू। तो ये थी। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि आपके मम्मी पापा ने ऐसा कितना, ऐसे कैसे सिखा दिया, इतना सब कुछ आपको कैसा आता है, ये है ये जो बोला था। तो थैंक यू फॉर दोज लवली कमेंट्स, आई कम्प्लीटली अप्रिशिएट दैट। ये चीज़ है कि माँ बाप जो है आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, एक अच्छी डायरेक्शन देंगे तो उसके बाद का सफ़र जो है आपको ही तय करना पड़ता है। अभी हर एक चीज़ बैठा बैठा के तो माँ बाप नहीं सिखाते हैं, मुझे भी नहीं सिखाई, या किसी भी पेरेंट्स के बचपन में एक एज होती है तब तक सिखाते हैं, उसके बाद तो नहीं सिखाते, उसके बाद हमको ही सीखना पड़ता है जो भी सीखना होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपसे पूछे कि वेयर इज़ योर नोज़, आपकी नाक कहाँ है, तो आप ऐसे भी बता सकते हो या ऐसे पकड़ के भी बता सकते हो, तो इट इज़ अप टू यू विच वे यू फाइंड करेक्ट, कौन सा आपको तरीका अच्छा लगता है और किस हिसाब से करने से सही रहेगा, वो आपके ऊपर है। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल था जो मुझे याद आया, मैंने बता दिया। तो बस इतना ही, आई होप आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।